तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो वेलकम हो गया आपका सम्मी कवि न्यू ब्लॉग में। तो अभी हमारी सुबह हो चुकी है और मुझे लगी है भूख और घड़ी में बज रहे हैं 10:15। तो आइए हम अपना चाय ले लेते हैं। तो मैं यहाँ चढ़ाई हूँ चाय अपनी। ये देखिए, मैं अपनी चाय चढ़ाई है। तो यहाँ हो रही है मेरी चाय और मेरी मॉर्निंग हुई अभी सुबह 10 बजे। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ ले लेती हूँ चाय। जोरों की भूख लगी है और कबीर गए हैं मार्केट। तो ये हमारी चाय रेडी हो गई है। चलते हैं हम अपना चाय लेकर के। और कबीर गए हैं काम पे, सॉरी मैंने मार्केट का सॉरी काम पे गए हैं सुबह। अभी तो काम पे ही गए हैं और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में लाइट ही नाश्ता करती हूँ, फिर मैं लंच ही करती हूँ। एक बार लंच ही करती हूँ मैं, फिर मैं मॉर्निंग में नाश्ता करती हूँ। तो ये रहा मेरा चाय, आ जाइए आप लोग भी। और ये रहा मेरा खारी। तो गाइस, चाय और खारी। क्या बताएं, काम तो ख़त्म ही नहीं होता। मॉर्निंग शुरू नहीं कि काम भी शुरू हो जाती है। और काम करते करते बज गया 10:20 हो गया। भैया 10:15 में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, 10:20 हो गया है। मेरे को लगी है भूख, तो मैंने सोचा क्या खाऊं, चलो चाय और खारी खाते हैं। आज संडे है, कबीर गए काम पे। अब आप बोलते हो कम संडे के दिन काम, तो हमारा काम संडे के दिन ज़्यादा होता है। हमारा काम ऐसा है कि संडे के दिन ज़्यादा होता काम। तो मिलते हैं आपसे चाय नाश्ता के बाद। ये गाइस देखिए, कबीर लाए अभी अनानास। इतने बड़े बड़े 2 अनानास लाए। काम पे काम बढ़ाते रहते हैं खाली, ठीक है। अल्लाह कर भागे बाथरूम। अब बोले इसको काटो मैं खाऊंगा। अब बोलो मेरे लिए काम बढ़ा दिए। हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब मैं जा रही हूँ इसको काटने। काटने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। देखो काम बढ़ा दिए। मैं उन्हें फल वाली दिखती हूँ, कटवा के लाना चाहिए। वो भी 2 पीस ले आए, 2 पीस उनका खाने का मन किया। क्या करूं, चलो काटते हैं। देखिए तो मिलते हैं। अब एक हाथ से काट कर सूट तो नहीं करेंगे, वो तो बाथरूम चले गए। तो मैं काटने के बाद मिलती हूँ आपसे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने अनानास काट दी। अब आप लोग बताइए मैंने सही काटा या गलत काटा। कोशिश की है मैं। इतना सारा देखो आँख निकला, इतना सारा। अब काटते हैं। अब मेरे को जैसे आता है वैसे काट दूंगी, है ना। ओह माय गॉड, काफी टाइट हो रहा है अनारस। तो मैंने ये काट दिया।
पता नहीं सही कटा या गलत, जो जैसे कटना है काट दिए। मैं ऐसे ही देखती हूँ, मार्केट में भी ऐसे ही निकालते हैं ना आँख, आँख निकाली हूँ मैं। और इसको मैं बीच से कट कर देती हूँ और कट करके इस तरह से फ्राई कर देती हूँ। अब मेरे को जैसे आएगा वैसे करेंगे, है ना। अब नहाने गए हैं, अब बोले क्या इसको फ्रीज में रख दो, फ्रीज में रख दो, ठंडी हो जाएगी उसके बाद खाएंगे तो टेस्ट लगेगा। अब पता नहीं उनको क्या क्या लगने वाला है, फरमाइश पे फरमाइश। तो देखिए हमने ऐसे अनानास कट किए हैं, अब मेरे को जैसे आया भैया मैंने कट कर दिए। अब आप लोग बताना सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है। तो मैं काट रही हूँ अनारस, अब काट के फ्रीज में रख दूँगी क्योंकि वो अभी खाएंगे नहीं, अभी नहा रहे हैं, ठंडी हो जाएगी तब खाएगी, फरमाइश पे फरमाइश। तो क्या कहें, मैंने थोड़ी लेट गई थी गाइस, लेट क्या गई थी, आँख लग गया था। फिर देखा पानी आ गया, जल्दी जल्दी कपड़ा उतारी मैं रस्सी से अपनी गैलरी से, और देखती हूँ क्या है मेरे फ्रीज में, फ्रीज में मेरे क्या है भाई। टमाटर में लेने गई ना गाइस, तो क्या बोल रहे थे पता है आपको, टमाटर देने वाले ने कहा कि पहले अंगूठा लगाओ। मैंने कहा क्यों मैं अंगूठा लगाऊं, तो कहने लगे कि अंगूठा लगाओ ना दीदी मैं बता रहा हूँ। तो मैं बोली चलो लगा लेती हूँ, तो कहने लगे कि मैं इसलिए बोला हूँ अंगूठा लगाने आपको क्योंकि ना मालूम तो पड़े इस मुल्क में कितने लोग अमीर हैं। मैं बोली अरे क्या यार मजाक कर रहे हो। अब बोले एक टमाटर खरीदने में इतना फिलोसफी। हाई मैं दिखाती हूँ मौसम, अभी तो धूप था और अभी देखो क्या बारिश, देखो गाइस ये देखिए मेरी गुलाब की। देखिए मेरी गुलाब क्या मस्त खिली है ना, सभी भरपूर मेरा गुलाब खिल गया, अभी वाइट गुलाब। यहाँ तो मेरा पिंक गुलाब हुआ है, ये पिंक है वो वाइट गुलाब है। अच्छा मैं उठ गया हड़बड़ा करके, बारिश आ गई इतनी स्पीड में, कपड़ा उतारी मैं भी। अभी बोला अरे नीचे क्या हो रहा, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैं भी बोली क्या हो रहा, वापस से चलती मस्त मिलती है। मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारा। पानी लगा दो क्या, मैं मिलती थोड़ी देर में, देखो काम। गाइस मैं तुरई छील रही थी, अचानक इतनी स्पीड बारिश आई, ये देखो जल्दी जल्दी गैलरी से मैंने कपड़ा उतारा, इतनी स्पीड पानी, देखो ये देखो इतनी मोटे मोटे पानी। और यहाँ मैं तुरई छील रही हूँ, आज बनाऊंगी तुरई आलू और बरी की सब्जी, तो दिखाऊंगी आपको। देखो कितना बारिश, ओ माँ क्या करूँ गाइस, इतनी बारिश इतनी बारिश। चलो काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। मेरी तुरई देखो कितनी लंबी तुरई है, 52 गज की तुरई। तो गाइस ये देखो मैं आई हूँ तुरई आलू की रेसिपी लेकर के आप लोग के सामने, और मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने वाली थी बरी आलू तुरई की सब्ज़ी। कबीर ने कहा मैं बरी नहीं खाऊँगा, बारिश में हैवी हो जाता है, इसलिए मैं फलौड़ी बना रही हूँ, थोड़ा ही सा बनाऊँगी ज़्यादा नहीं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये आग काफ़ी तेज हो गई है, मैं थोड़ा धीमा कर लेती हूँ। ये देखो फिलहाल
क्या क्या नहीं करवा रहे आज मेरे से। वो घर आ जाएंगे ना, परेशान कर देंगे। चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, पकोड़े बनाओ, भजिया बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। सुबह देखे आप, दोपहर में लेकर आ गए अनानास। काम पे काम। तो पहला आग था गाइस, जा मेरा फ्लोरी। खैर आज मैंने कम कर ली है, आज कम ही नहीं हुए थे एक हाथ से, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा फ्लोरी बन करके तैयार हो गया। वो बरी नहीं खाएंगे तो चलो भाई, अच्छी बात है, मत खाओ बरी। यहाँ मेरा फ्लोरी बन गया। ये भी सही बात है, बारिश में ना थोड़ा सा बरी बरी थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे घर पे ही मेरा सारा जुगाड़ रहता है और मैंने बना ली फलौड़ी इनके फरमाइश में। अब जाने दो, बरी ना सही फलौड़ी सही। अब हम डाल देंगे इसमें हमने अपने प्याज को। देखिए जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें हल्दी मिर्ची। देखो अदरक नहीं है, लहसुन का पेस्ट और हल्दी मिर्ची धनिया डेढ़ डेढ़ चम्मच है और नमक एक चम्मच और थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मेरा प्याज न जल जाएगा। और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। इसे भून लेते हैं हाँ। और मुझे इसमें देना है एक टमाटर कट करके, तो मैं टमाटर लाने भूल गई फ्रिज में, मैं ले आती हूँ टमाटर। और फोड़न भी डालने भूल गई, अभी इसी स्टेज पे डाल दूँगी तो फोड़न और टमाटर का टेस्ट आ जाएगा। तो मैं डालती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल दी और तोरई भी मैंने डाल दिया क्योंकि एक हाथ से सूट कर रही हूँ ना। ये देखो टमाटर, मैंने टमाटर भी डाल दी और फोड़न और एक हाथ से सूट कर रही हूँ। तो मेरा मसाला भून गया था गाइस, ये देखो अच्छे से भून गया। अभी और डालना है क्योंकि तोरई अपना पानी छोड़ेगा, तो मैं अभी और तोरई डाल देती हूँ इसमें। ये देखो और काफ़ी ताज़ा और हरे हरे तुरई थे। ये देखो गाइस एकदम काफ़ी ताज़ा हरे तुरई। ये हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है। तो मैंने टमाटर, देखो ये टमाटर मैंने डाल दी, अब एक हाथ से सूट कर रही हूँ मैं। अब ये जैसे जैसे गलेगी तो वैसे वैसे खुद ब खुद अंदर हो जाएगी, है ना। एक हाथ से नहीं बनता, बनाने में चलाने में कोई नहीं। तो मैं तो आपको दिखा दी हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये जब थोड़े अंदर हो जाए और थोड़ी सी गल जाए गाइस, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। अब फ्लोरी में अभी नहीं डालूंगी, आखिरी में डालूंगी, आखिर में जब तक ये पक जाए। टंकी भर जाए, टंकी भरने का इसमें मत रही है, भर जाएगा टंकी। ठीक है तब तक हम भी आपके लिए रोटी बना लेते हैं। ये देखो गाइस, तो कभी तभी टंकी लगाए हैं ताकि, और वो जब गीला होकर आते हैं ना तो उनको चावल नहीं रोटी चाहिए, तो मैं उनके लिए ये देखो रोटी बना रही हूँ। और गाइस ये मेरा फाइनल लुक है, ये देखो। और अब इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी अपना तोरई में जो भी फलौड़ी मैंने बनाया था वो डाल देती हूँ मैं। तो ये रहा फलौड़ी, डल गया है इसमें।
और मैं यहाँ दो काम एक साथ करती हूँ। अभी उनको खाना देना है। ये देखो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ गाइस, यहाँ रोटी बना रही हूँ, और ये मेरा तुरई की सब्जी कंप्लीट। अब देखते हैं रात का प्लानिंग क्या है। अभी तो 5 बज रहे हैं शाम के, तो मैं फुलौड़ी मिला देती हूँ और इतने ही गीले रखेंगे, क्योंकि क्या है ना, ये फुलौड़ी मैं अभी डाली हूँ ये सोख लेगा थोड़ा पानी। बस ये रहा मेरा तुरई आलू की फाइनल लुक। और यहाँ मैं देखिए रोटी बना रही हूँ गाइस, ये देखिए। तो रोटी बन जाए तो फिर मैं कबीर को खाना दे देती हूँ, क्योंकि वो खाए नहीं हैं दिन से, क्योंकि काम से तो वो लेट से आए 4 बजे, और आने के बाद बस अपने काम पे लग गया। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या होता है। बस यही छोटा सा सिंपल सा मेरा तुरई आलू फुलौरी की, ये देखो तुरई आलू फुलौरी की रेसिपी, सिंपल सी थी, सिंपल खाना। मैंने सोचा चलो बना रहे तो दो दिखा देते हैं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, रोटी बना लूँ। यहाँ हमारा शाम का चाय नाश्ता चल रहा, देखिए ये मस्का पाव और चाय है। और अभी घड़ी में बजे हैं 7:30। मैं नमाज पढ़ के उठी हूँ, चावल चढ़ाई हूँ और अभी चाय नाश्ता के लिए बैठी हूँ। क्या बताएगा इसमें, बारिश इस कदर हो रहा ना, दिमाग खराब। बारिश में कहीं आ जाने सबको कुछ सुख करने के लिए नहीं है। बस हमारा डेली यही रूटीन, डेली ब्लॉग की डेली रूटीन तो देना पड़ेगा ना आप लोग को भी इंतजार रहता है ना कि आज सम्मी क्या रेसिपी लेकर आएगी, आज सम्मी क्या कर रही है ना। तो गाइस आज मैं सुबह से बहुत परेशान थी, सुबह से मैं काम 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 ख़त्म हुआ 10 बजे, तो चाय नाश्ता की, देखिए घर पे पाव रखा है, पाव मस्का सब है, लेकिन मैंने सुबह में नाश्ता की नहीं थी, चाय और खारी खाई थी एक पीस लोगी। और अभी देखो कबीर आ गए हैं, तो मैं यहाँ मस्का चाय एकदम मस्त लगा के लेके बैठी हूँ खाने के लिए। बोलो रह कर नहीं खा पाई क्योंकि सुबह काम रहता है ना, और बारिश भी हो रहा था, तो काम से आ गए चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं गाइस हम अपने चाय नाश्ते के बाद आपसे। क्या कर रही है? क्या करूँगी अब, जो आज सुबह भी सॉरी दोपहर से जो हरकत कर रहे हैं ना वही करनी है। अरे वो केला को फ्रिज में नहीं रखना। अच्छा शुक्रिया, केला नहीं, केला हाँ देखिए गाइस सही बात है। देखो ये फिर अभी क्या किए दोपहर में, क्या किए ये क्या उसको बोलते अनानास, अनानास लेकर चले आए, कट कर दो मैं खाऊंगा, कट कर दिए तो फ्रिज में रख दो। देखो अभी वो भी नहीं खाए, और अभी आवाज़ आया केले वाला आया भैया फल लेकर के और भुट्टा, तो अभी जा कर के भुट्टा और इतना सारा केला ले लिया। अब आप ही बताओ, अभी हम चाय पाव खाएँ। ये देखो मैंने अपने ही से अनानास खा चुकी हूँ, ठीक है। और ये देखिए उनका अनानास, ये अनानास पड़ा फ्रिज में, कह रही हूँ खा लीजिए तो नहीं शाम हो गया, ये शाम और सुबह देखते हैं मेरे को परेशान करते, ये खाना है वो खाना है ये कर दो, अभी इसको रखना है मेरे को दिमाग खराब, एक तो खाए नहीं है दूसरा को रखो सजा से आकर। बोलो मैं कहाँ रखूँ, अभी फ्रिज में रखूँगी इसको, क्या करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग सुबह से लेकर दिन तक मेरा जो आज का ब्लॉग था गाइस यही रहा, नॉर्मली छोटा मोटा सा रोज का रूटीन, सिंपल सी रेसिपी थी तुरई की। बस इनको बरी नहीं खाना है तो ये नहीं खाना, तो मैंने फुलौड़ी डाल दी, फुलौड़ी खाना है चलो फुलौड़ी डाल के बना दी। अब माशाल्लाह खाएँ फिर सो कर उठे, नहाएँ धोएँ फिर खाना खा लें, वही रोटी बनाई आप लोग के सामने, रोटी बनाई रोटी है तुरई वही फुलौड़ी खाएँ, टेस्टी लगा बहुत अच्छा लगा, बनवाए ना सोचे नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा। तो मेरा आज का ब्लॉग गाइस यहाँ पर खराब होगा आज का सफ़र मेरा, तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आया है गाइस, पसंद आए या ना आए फिर भी आप देखिए लाइक कीजिए,
और कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है, आए या ना आए। गाइज मेरा वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।